Local residents of Kanchanpur village in Uttarakhand's Ramnagar town woke up on Friday morning to the sight of an injured leopard resting in a cowshed in the middle of a residential colony. The leopard had strayed into the town from the nearby forests. It was spotted by one of the women living in the village. ये आज सुबह 5 बजे जो है यहाँ आ गया था बस्ती में. हमारे पीछे जो मकान है वहाँ पे हमारी भाभी जी उन्होंने देखा कि यहाँ से आगे उनको दिखा नहीं, हमारी मम्मी गोबर वगैरह निकाल रही थी. जब उसके बाद आके हमने देखा तो गली में यहाँ पे हमारे जानवर के साथ में पगल में लेटा हुआ था. फिर उसके वो करके तुरंत हमने सूचना प्रधान जी को दी, एम जोशी जी हैं, उन्होंने फिर अपने सारे डिपार्टमेंट को बुलाया जो भी आके यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं. ये कंचनपुर से रामनगर के पास में आबादी क्षेत्र में कुलदार की सूचना मिली थी, जिसे त्राई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज द्वारा वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया. उसके बाद उच्च स्तर को सूचित किया गया. उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार डॉक्टर दुष्यंत शर्मा की निगरानी में उसको डॉक्टर दुष्यंत शर्मा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा उसको रेस्क्यू कर लिया गया. The leopard was rescued after tranquilizing it in the cowshed and taken for treatment, after which it will be set free into the forest area.